ट्रैक का सफर ऋषिकेश योगनगरी के साथ ही शुरू हो जाता है। यहाँ आपको जोशीमठ या गोविंद घाट के लिए बस लेनी होगी। बस की टिकट 400 रुपये पर पर्सन है और यहाँ एसी बसेस नहीं चलती और पहली बस सुबह 4 बजे से ही मिलनी शुरू हो जाती है। श्रीनगर हाईवे के बाद रास्ते टूटे हुए मिल सकते हैं तो सफ़र थोड़ा कठिन हो जाता है, और जब पता हो कि मंजिल हमारी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है तो यह 11-12 घंटे का कठिन सफ़र भी आसान सा लगने लगता है। खैर, हम निकल तो पड़े इस अद्भुत सफ़र में, अब रास्ता कैसा भी हो मज़ा तो बहुत आने वाला है। गोविंद घाट पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज चुके थे तो हम अपने होटल में जाकर आराम करने लगे। अब आप इस सफ़र को कैसे 2,500 रुपये में पूरा कर सकते हैं ये मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊँगी। डे टू में हम सुबह 6:30 बजे नाश्ता करके निकल पड़े हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, जो कि था गोविंद घाट से गंगरिया तक की ट्रैकिंग का सफ़र। ये 14 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, परंतु अब कोलना विलेज जो कि गोविंद घाट से 4 किलोमीटर आगे है तक गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी का फेयर 50 रुपये पर पर्सन है। कोलना विलेज पहुँचने के बाद बहुत से आपको खच्चर मिलेंगे। यदि आपको ट्रैक करने में डिफ़िकल्टी हो रही हो तो ही आप इनका सहारा लें, वरना आप इसे ट्रैक करके ही जाएं। तो चंद्रहास, हम कहाँ जा रहे हैं? वेल योर फ्लैश। यस, लेट्स गो बेबी। यस, तो अब हम जा रहे हैं वेल योर फ्लैश, है ना? यह ट्रैक हमारे इंडिया का सबसे लोकप्रिय ट्रैक में से एक है। अब इस खूबसूरत ट्रैक को प्लान करते समय हम सबके मन में कुछ सवाल ज़रूर आते हैं, जैसे कि क्या हम फूलों की घाटी में स्टे कर सकते हैं या कैंपिंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैली ऑफ फ्लावर की घाटी एक संरक्षित वाइल्ड लाइफ पार्क है। यहाँ तरह तरह के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि शाम होने के बाद निकलते हैं। तो शाम होने के बाद यहाँ स्टे करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, पर अगर फिर भी आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो गंगरिया में ही कर सकते हैं। गंगरिया वैली ऑफ फ्लावर से 3.2 किलोमीटर है और यह मानव निवासियों का अंतिम क्षेत्र है, प्लस यहाँ स्टे करना सेफ भी है। दूसरा सवाल जो कि हम लोगों के मन में आता है कि यह ट्रैक कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। बहुत से वेबसाइट पर इसे ईजी ट्रैक कहा गया है। नो डाउट ये ईजी ट्रैक तो है, पर क्या आपको पता है गोविंद घाट मीन सी लेवल से 6,000 फीट ऊपर है और गंगरिया जो हमारा दूसरा पड़ाव है वो मीन सी लेवल से 10,003 फीट ऊपर है। साथ ही साथ जो हम डे 3 में वैली ऑफ फ्लावर की ट्रैकिंग करेंगे वो करीब 14,000 फीट ऊपर है, तो बार बार हमारा एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है। इस हाई एल्टीट्यूड डिफरेंस के कारण ये ट्रैक डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एल्टीट्यूड डिफरेंस होने के कारण हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम पड़ने लगता है, जिसके कारण जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ट्रैक डिफ़िकल्ट हो सकता है। कभी कभी वे फेंट भी हो जाते हैं रास्ते में, इसलिए हमेशा आप पानी की बॉटल कैरी करें। इससे ये ट्रैक ईजी हो जाएगा। जगह जगह पर पड़ाव होंगे, वहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी देर रुक जाएं, इससे ये ट्रैक इजी हो सकता है। तीसरा सवाल जो हम सभी के मन में आता है कि ट्रैकिंग का बेस्ट टाइम क्या है, कब हमें फ्लावर्स जो है फुल ब्लूम में दिखेंगे? ऐसे तो इस ट्रैक का टाइम जून से सितंबर है, ये ट्रैक जून से सितंबर में ओपन हो जाता है, पर बेस्ट टाइम इसका 15 जुलाई से 15 अगस्त है। इस टाइम आपको पूरी घाटी फूलों से भरी हुई मिलेगी। ये इस घाटी में आपको अल्पाइन फ्लावर्स, जड़ी बूटियाँ और तरह तरह के फंस देखने को मिलेंगे। ट्रैक के दौरान आपको जगह जगह पर फूड स्टॉल्स मिलेंगे, जहाँ पे आप रुककर मैगी खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, पानी की बॉटल खरीद सकते हैं। रास्ते में जगह जगह पे बेंचेस भी लगे हुए हैं जिस पे आप बैठ के आराम कर सकते हैं।
यह ट्रैक चारों ओर से सुंदर वाटरफॉल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। ट्रैक के साथ एक रिवर बहती है जो कि पुष्पावती रिवर है। ये वैली इतना खूबसूरत है कि इसके पीछे कई माइथोलॉजिकल कहानियाँ भी हैं। जैसे कि माना जाता है कि रामायण काल में हनुमान जी ने फूलों की घाटी में ही संजीवनी बूटी की खोज की थी। दूसरी कहानी ये भी है कि पौराणिक काल में यह परियों का निवास स्थान माना जाता था, और यह भी माना जाता था कि यदि कोई मनुष्य वहाँ तक पहुँचता था तो वह कभी वापस नहीं आ पाता था। पर अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये सारे एक मिथ है, ये सारी सिर्फ कहानियाँ हैं। हाँ तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस उत्तराखंड के स्वर्ग तक पहुँचने वाले ट्रैक को सिर्फ 2,000 से 2,500 रुपए में कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला खर्च होता है ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग के लिए आप जब ऋषिकेश से बस लेंगे तो 1-way टिकट 400 रुपए है, और 2-way टिकट मिला के आपको ये करीब 800 से 900 रुपीज़ का लगेगा। आप ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए तक बस ले सकते हैं, नहीं तो ऋषिकेश से गोविंद घाट तक बस ले सकते हैं। दूसरा खर्च आपका सेकेंड डे आएगा, जो कि है गोविंद घाट से पुलना विलेज तक का। ये 4 किलोमीटर ट्रैक है, पर यहाँ पे आपको गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी। गाड़ी आपको करीब 50 रुपये पर पर्सन लगती है। याद रखें, पुलना विलेज आपके इस खूबसूरत ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस 4 किलोमीटर के बाद आपको सिर्फ 10 किलोमीटर और ट्रैक करना होता है। 10 किलोमीटर ट्रैक के बाद ही आप गंगरिया तक पहुँच पाते हैं, और वहाँ पे आपको टाइट स्टे करना पड़ता है। दूसरा जो खर्च आता है वो है एकोमोडेशन में। तो एकोमोडेशन के लिए आप गोविंद घाट में गुरुद्वारे में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आप लंगर भी खा सकते हैं। ये गुरुद्वारा बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप अच्छे से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा रूम होता है इसमें, और खाने के लिए तो लंगर मिल ही जाता है। दूसरी रात जो कि आप गंगरिया में बिताने वाले हैं, वहाँ भी गुरुद्वारा है, वहाँ भी शरणार्थियों के लिए, ट्रैकर्स के लिए स्टे करने का अच्छा प्रबंध होता है। वहाँ भी आपको लंगर मिलेगा। गुरुद्वारे के बाहर बहुत सारे फूड स्टॉल्स भी हैं, फिर भी आप खाना खा सकते हैं। तीसरा खर्च आता है फूड का। इसमें आपको 1,000 से 1,500 रुपये लगेंगे, और खाना इतना महंगा भी नहीं है यहाँ पे। 120 रुपये में आपको पूरी एक थाली मिलती है। तो इस तरह आप इस ट्रैक को मात्र 2,500 रुपये में प्लान कर सकते हैं। अगर ट्रैक की बात करें तो जगह जगह पर खड़ी चढ़ाई है, साथ ही साथ पूरा ट्रैक स्टेप्स एंड स्टेयर्स का बना हुआ है। वो कहते हैं ना, अगर हम सफ़र साथ हो तो रास्ते कितने भी मुश्किल भरे हों, सफ़र खूबसूरत हो ही जाता है। इसी के साथ मैं इस व्लॉग के पार्ट 1 को एंड करती हूँ। बताओ कैसा लगा आपको? पहले जगह फ्लैट कर दिया बता दिया।